पीछे जो बैठा हुआ लड़का लड़की लोग, जो भाई बहन लोग आगे आइए, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और फोटो किसी ने सीपी थी के लड़का लोग यादगार रहेगा। ये इस मिस्टर लोग का मानन कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर वन, आपका मावी पापा लोग भैया दीदी लोग चुन के उसको, ये बहुत ही अच्छा काम है। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जो वार्ड नंबर वन यूथ कॉर्पोरेटर एसोसिएशन है, एंड ऑफकोर्स दी कॉर्पोरेटर फॉर वार्ड नंबर वन कमानन जी, जिन्होंने सोचा है कि इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इन वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। आप देखेंगे वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में देखा जाएंगे तो तीन पार्ट है, एक हमारा जो एनफोर्समेंट पार्ट है जो नॉर्मली पुलिस करती है, दूसरा हो गया हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस पार्ट है जिससे कि हम डिमांड रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, डिमांड को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरा रिहेबिलिटेशन पार्ट है जिसमें मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो उसमें से ये अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आके, एंड पुलिस जो है कैपिटल पुलिस हैज़ टेकन ड्रग्स प्रॉब्लम बहुत सीरियसली अंदर लिया, एंड लास्ट वन ईयर में जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोर देन 67 पीपल वी हैव ऑलरेडी अरेस्टेड इन ड्रग रिलेटेड केसेस। बट आई मस्ट से दैट हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस भी जो क्रिएट हुआ है, डी सी साहब ने भी, डी सी श्री तालुक पटन जी ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस फॉर ड्रग्स। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं इन सब से मिल करके हम कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, तो जागरूक सोसाइटी रहेगी तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम शुरू होने से पहले ही रोकने में ज़्यादा कामयाब होंगे। लाइक वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर। फाइनली आज क्योंकि 14 नवंबर भी है चिल्ड्रंस डे, एंड देयर इज ऑब्जर्वेशन दैट मेनी ऑफ आवर यूथ वेरी यंग पीपल आर ऑल्सो गेटिंग इन टू दिस। तो इस दिन मैं अपील करना चाहूँगा हमारे सारे जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनसे कि यू शुड से नो टू ड्रग्स, एंड इफ यू सी समवेयर देयर इज अ ड्रग प्रॉब्लम, आपका कोई दोस्त है, कोई जान पहचान का है, भाई है, तो प्लीज़ उसको अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को बताएं, अगर नहीं हो सकता है तो पुलिस को भी बता दें, वी विल इंश्योर कि प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, एंड इसी तरह से हम सब मिल के जब लड़ेंगे तभी हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा रहेगा कि जैसे आपके पुलिस डिपार्टमेंट आए दिन ड्रग्स केसेस से डीलिंग करते हैं, और आज जैसे वार्ड नंबर वन द्वारा एक जैसे कि एक रैली किया गया है, तो सर कैसे कौन सा तरीका होगा जिससे हमारे सोसाइटी में और भी अवेयरनेस हो सके इस ड्रग्स को लेकर? डेफिनेटली रैलीस एक तरह का जरिया है जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में हम विज़िट करते हैं, जब भी विज़िट होता है उसके थ्रू हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। देन इन अदर फोरम्स ऑल्सो जो हमें फोरम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज 26 जून, उसमें हमने ऑनलाइन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें रिसोर्स पर्सन जैसे कि साइकेट्रिस्ट हो गया या हमारे प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हो गया पर्सनलिटीज, उनको भी बुला के हमने करवाया था। इस तरह का जो प्रोग्राम है जैसे मैंने अभी बताया, डी सी साहब ने भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे कैपिटल के मेयर साहब जो हैं हमारे पसंद है, उन्होंने भी 2-3 प्रोग्राम किया। इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है जिसमें कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी सपोर्ट करें, पब्लिक भी सपोर्ट करें, एंड देन हम जगह जगह इंस्टीट्यूशन जैसे कि मार्केट वेलफेयर हो गया, स्कूल्स हो गया, इनमें भी जाके अवेयरनेस क्रिएट करें। इस तरह का अवेयरनेस जनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। बेसिकली देखिए मैंने मेरे स्पीच में भी वही बोला कि ड्रग अगर मैंने ख़त्म करना है तो बेसिक ग्रास रूट से ख़त्म करना है। हम लोग आए मैंने जो पेडलर्स लोगों को पकड़ के बार बार जेल में जाने से ख़त्म नहीं होगा, तो जब हम लोग कंज्यूमर्स कम ऑटोमेटिकली तो सप्लायर तो कम होना ही है, मेरा वो मानना है। तो इसीलिए हम वही सोचा है कि आगे चिल्ड्रंस लोग को अवेयरनेस कराना है और हर स्कूल में जाके अवेयरनेस कराना है, कॉलेजेस में कराना है,
तो ऐसे करा के क्या होगा कि हम लोग का कंज्यूमर कम होगा, तो कंज्यूमर कम होगा तो ऑब्वियसली सप्लायर भी कम होना है। तो हम ये सप्लायर को भी हम वही बोल रहे हैं कि आप मेरा वार्ड नंबर वन में, इवन मेरा वार्ड नंबर वन में नहीं, इंटायर कैपिटल रीजन में अगर कम कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज हम विद मैंने मेरा IMC कॉर्पोरेटर्स के साथ हम ऑलरेडी आंदोलन छेड़ चुका है ड्रग के अगेंस्ट में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द जितना सकेगा यहाँ पे ड्रग सप्लाई करना बंद कीजिए, और हम लोग अपना यूथ फोर्स से और पुलिस फोर्स से लगा के आपको बाहर ही फेंकेगा, या में जितना सकेगा या में कम कीजिए। और हम इवन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूथ वाला लोगों की ये वॉर अगेंस्ट ड्रग को जारी रखिए, हम साथ है, हमारा गवर्नमेंट साथ है, हमारा यंग डायनामिक CM पेमा खांडू सर वो भी बहुत ड्रग अगेंस्ट में बहुत जोर तौर से लगा हुआ है। तो वही है मेरा आज का मैंने 14 अगस्त में जो पॉइंट जो रखा है, हम लोग ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे। तो चिल्ड्रेन ने एक अच्छा पॉइंट था रखने के लिए, उसको तो हम लोग अभी मैंने वर्क कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है। अभी हम लोग जैसे कि अभी जस्ट अवेयरनेस शुरू हुआ, तो अभी जैसे कि रात रात को नाइट पेट्रोलिंग होगा या तो डे में पेट्रोलिंग होगा या तो ऐसे बहुत कुछ अला। अभी हम लोग कंसर्न मैंने लो एनफोर्स जो एक्सपर्ट है उसे हम लोग बात करेगा, काम में हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ऐसे पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक बने लीडर हम काम में मदद कर सकते हैं।